जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार, बनवाल सेवा सदन छाजा से लाइव। दर्शकों, आज शिक्षक के नेता आनंद कौशल हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम प्रखंड और जिला के जितने शिक्षक के नेता, तमाम शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। मुद्दा है कोसी स्नातक क्षेत्र से आनंद कौशल चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम चुनावी शंखनाद झाजा की धरती से हुआ है। हम आनंद कौशल से जुड़ के बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आने के इनकी रणनीति होगी, क्या क्या होने जा रहा है। मैं इन्हीं से जानकर आपको बताने की कोशिश करता हूं। दर्शकों, आपने देखा होगा लगातार आनंद कौशल एक ऐसा जुझारू व्यक्ति जो शिक्षकों के दुख सुख में हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ रहे। भले ही इनको हड़ताल की सफलता नहीं मिली हो, आपको याद होगा पिछले बार मैंने किदौर आवास में जाकर इनका साक्षात्कार लिया था, जो लाइव था, लाखों लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा। हमने इनसे जानना चाहा था कि आखिर इतने शिक्षक की मौत हो गई, इसका जिम्मेवार कौन था, या फिर संघ या फिर सरकार। इन्होंने सीधा कहा था, सरकार यदि हड़ताल समाप्त करनी ही थी तो फिर हड़ताल जो मेन उद्देश्य था वो इन लोगों का पूरा नहीं हो पाया। हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं, भावी कैंडिडेट हैं, और हमारी टीम की चैनल की टीम की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि एक विजय होकर वहां पहुंचे और शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करते हुए तमाम शिक्षकों को हक और हकूक की लड़ाई जो हमेशा से लड़ते रहे हैं, ये लड़ते रहे। बने रहिएगा हमारे साथ प्लीज। झाजा की धरती पर सर आप एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, मकसद क्या है? ऐसा है ना, बिहार में जो सरकार है वह शिक्षा को बर्बाद करने पे तुली है। 4 लाख शिक्षक जिंदगी से जूझ रहे हैं, 72 जिंदगी से जूझ रहे हैं, और इस सरकार को पर अभी हम लोग 78 दिन हड़ताल किए और यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी आप लोग बंद करिए, हड़ताल स्थगित कीजिए, मैं सारी मांगों को पूरा करूंगा। आज सब चीज़ नॉर्मल हो गया, अनलॉक 1-2 चल रहा है। अभी तक हम लोगों का कोई भी मांग सरकार पूरा नहीं किया है। पुराने शिक्षकों के भांति वेतनमान हमारा जो सबसे बड़ा मांग है, जो हम लोग हासिल करने के लिए हड़ताल किए थे, और राजकर्मी का दर्जा, उसको पूरा करने के लिए हम लोग वोट की लड़ाई प्रारंभ कर दिए। हमको अब मतलब नहीं सरकार क्या कर रही है, हमको सरकार को अब चौतरफा हमला करेंगे सरकार पर। अब वोट की लड़ाई उसी का एक कड़ी है, वोट की लड़ाई शुरू हो गया। आज बिहार के तमाम शिक्षक, कोसी के 14 जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 14 जिला के शिक्षक है, वो तमाम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अब NDA के उम्मीदवार को इस चुनाव में नहीं जीतने देंगे, जो आने वाले समय में स्नातक का होने जा रहा है। तो शिक्षकों का और अभिभावकों का और बच्चों के माता पिता का जो साथ हम लोग को मिल रहा है, निश्चित रूप से सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और कोसी से तो बिल्कुल अभी नहीं जीतने देंगे, फिर भी अगर सरकार नहीं चलती है तो हम लोग आगे और आक्रामक आंदोलन करेंगे। इसी को लेकर आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जम्मू जिला के कुछ साथी यहाँ पे आए थे, और चुनावी सरकार को चुनाव में शिकस्त देने का यहाँ से एक अभियान हम लोगों ने शुरू कर दिया है। साथ प्रदेश महासचिव जुड़ रहे हैं रामचंद्र जी, क्या क्या मांगे हैं आप, विजय बना रहे हैं इनको आनंद कौशल जी को? आप लोग अभी तत्काल जो हमारे 78 दिन का लगातार सरकार विश्वास में लाके जहाँ वार्ता करेंगे हमारे साथ बैठ के, लेकिन अभी तक कुछ वार्ता नहीं किया। हम लोगों ने निर्णय लिया है लगातार, क्योंकि अपना प्रतिनिधि आप हमको सदन में दे, हमारी आवाज़ जो प्रतिनिधि को हम भेजते हैं, आज तक जो भी प्रतिनिधि मेरी आवाज़ को उठाते नहीं है सदन में, सदन में अपना प्रतिनिधि रहना जरूरी है। इसलिए राज कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है, हमारे संगठन की ओर से, नियोजित शिक्षकों की ओर से आनंद कौशल जी को स्नातक क्षेत्र से चुनाव लगाया जाएगा। उनका जो निर्णय है उसके आलोक में बैठक आज की गई है।